वेलकम बैक टू सांदीपनी एजुकेशनल अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने जो है तीन टेंस के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो चलिए, कुछ एक्टिविटी हमने लास्ट वीडियो में कर ली और रिमेनिंग एक्टिविटी हम अभी करते हैं। लुक अराउंड योर क्लास एंड सी व्हाट यू आर योर टीचर एंड क्लासमेट आर डूइंग। राइट डाउन 5 सेंटेंस अबाउट देम यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ टेंस के कुछ जो है सेंटेंस बनाने हैं इसके अंदर, लेकिन ये क्लासरूम एक्टिविटी है तो हम क्लासरूम के, जब स्कूल ओपन होगा हम क्लासरूम के अंदर करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है मेक सेंटेंस विद ड्राइव, स्टैंड, अनाउंस एंड ईट इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं ड्राइव के, ड्राइव करते वक्त के, खड़े रहते वक्त के, कुछ अनाउंस कर रहे हों उस टाइम के, कुछ खा रहे हों उस टाइम के सेंटेंस बनाने हैं। तो आपको जो है, आपको जो है 5 सेंटेंस बनाने हैं यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस के, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना होगा। देन अगली एक्टिविटी देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में जो है वर्ब की फॉर्म दी हुई है। अब हमें सेंटेंस पढ़ के पता करना है कि कौन सी फॉर्म जो है यहाँ पे खाली जगह पे आएगी। द सन इन द ईस्ट, तो सन क्या है, सूरज जो है उगता है, तो रोज उगता है तो राइजेज, और प्रेजेंट टेंस है तो राइजेज आएगा, आर आई एस ई एस, राइजेज इन द ईस्ट। स्वामीनाथन आइडल, तो वॉज सिटिंग क्योंकि पहले पहले आइडल तरीके से बैठे थे ना, तो वॉज सिटिंग आइडल वेन द सुपरवाइजर लुक्ड। पास्ट है, पास्ट टेंस है तो हम लुक्ड लिखेंगे, लुक्ड एट हिम। देन नेक्स्ट है नेगेड विल नॉट लीड गिंजिल वेन द बीज। तो यहाँ पे विल बाइल्ड, विल बी बाइल्ड एंड बाइल्ड, तो यहाँ पे हमें विल नॉट लीड, ठीक है, तो ये पास्ट टेंस दिया है तो यहाँ पे हम बाइल्ड लिखेंगे, बी यू आई एल डी बाइल्ड, अनदर हाई, ठीक है। तो 3 मैंने करवा दिए हैं, बाकी के 3 आपको खुद से करने हैं। तो चलिए, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो सॉरी हमारा कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है और अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या दिया है, द वर्ब दैट इंडिकेट एन एक्शन स्टार्टेड एट सम टाइम इन द रिसेंट पास्ट एंड वॉज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर कोई एक्शन पास पहले थोड़ी देर पहले जो है स्टार्ट हुआ है और जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो रहा है, सॉरी थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हुआ है, तो उसको हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देन ही हैज वॉच टीवी, वह टीवी देख रहे हैं। They have played in the garden, उन्होंने बगीचे में खेला। Have, has is placed before the main verb, इसमें क्या होता है have और has जो है main verb से पहले लिखा हुआ होता है। He has eaten, उसने खाया, has helping verb है,
और ये जो है थर्ड फॉर्म है. सी हैज रिटर्न, दे हैव मूव्ड. तो यहाँ पे हैज हैव का यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर. देन यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, द वर्ब दैट इंडिकेट दैट एन एक्शन टूक प्लेस एंड वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन फॉलोड इन द पास्ट इज सेड टू बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है लेकिन दूसरा कोई एक्शन स्टार्ट होने से पहले ही वो कंप्लीट हो गया है तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. जैसे कि ही हैड वॉच्ड टीवी बिफोर ही एट हिज फूड. उसने खाना खाया उससे पहले ही उसने टीवी देख लिया. दे हैड प्लेड इन द गार्डन आफ्टर दैट दे वेंट टू स्कूल. पहले वो बगीचे में गए उसके बाद वो स्कूल में गए. ठीक है. वेन टू एक्शंस टूक प्लेस इन द पास्ट, द एक्शन दैट हैपन्ड अर्लियर इन दिस टेंस हैड इज प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब. जब दो एक्शन एक साथ होते हैं तो वहाँ पे जो पहला एक्शन होता है उसके अंदर जो है हैड का यूज होता है, हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है मेन वर्ब से पहले. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है आई हैड ईटन बाय नून, मैंने दोपहर को खा लिया. ही हैड रिटर्न द लेटर लास्ट मंथ, गए महीने में उसने जो है लेटर लिखा. दे हैड मूव्ड टू कैनेडा 10 years back, 10 साल पहले ही जो है उन्होंने कनाडा में शिफ्ट कर लिया. ठीक है. देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या आता है, द वर्ब दैट इंडिकेट एन एक्शन विल हैव बीन कंप्लीटेड एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर इज सेड टू बी इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. जो एक्शन आगे जो फ्यूचर में होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर कंप्लीट होएगा, अभी रनिंग में चल रहा है और आने वाले वक्त में कंप्लीट होने वाला है, वहाँ पे हम जो है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का यूज़ करते हैं. ही शैल हैव वॉच्ड टीवी, उसने वह टीवी देखे. दे विल हैव प्लेड इन द गार्डन, वे बगीचे में खेलेंगे. शैल हैव शुड हैव विल हैव एंड वुड हैव इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब. यहाँ पे क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर शैल हैव शुड हैव और विल हैव और वुड हैव जो है हेल्पिंग वर्ब आते हैं. आई शैल हैव ईटन बाई देन, ही विल हैव रिटर्न द लेटर बाई नेक्स्ट ट्यूजडे. दे शैल हैव मूव्ड बैक टू इंडिया बाई नेक्स्ट दिसंबर. तो यहाँ पे शैल हैव विल हैव ये सारे क्या प्रूव कर रहे हैं कि इनके अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. तो चलिए अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने के बाद हम जो है फिफ्थ एक्टिविटी करके देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब गिवन इन द बॉक्स बिलो. यहाँ पे हमें बॉक्स में कुछ वर्ब्स दी हुई हैं उनको हमें यहाँ पे लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में. द $10 bill हैज जस्ट गॉन इंटू द हैंड्स ऑफ हैकर. $10 जो है वो हैकर के हाथ में चली गई. हैव यू सीन स्वामीनाथ इन स्कूल, क्या आपने स्वामीनाथ को स्कूल में देखा. द फ्रॉग हैज लेफ्ट फॉर काठमांडू रिसेंटली. ठीक है. तो इस तरह से मैंने 3 sentences क्रिएट कर दिए हैं. आगे के जो सेंटेंस हैं उनका आपको PDF मिल जाएगा, वो आपको खुद से क्रिएट करने हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.